स्टूडेंट, कल हमने पहले वीडियो में संतुलित बल आज हम वीडियो का दूसरा भाग देखेंगे। स्टूडेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गति का पहला नियम क्या कहता है कि वस्तुओं को किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने, यानी ये कोई ढाल वाली चीज है, ये आनत तल है। ये क्या है? आनत तल। क्या स्टूडेंट? ये आनत तल है। इस आनत तल पर गैलीलियो ने एक गेंद को लुढ़काया और उसका अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। यानी आनत तल था, आप किसी गोली को लुढ़का देंगे लुढ़कते रहेगा जब तक आप यहाँ से रोकेंगे नहीं। यानी गैलीलियो कहता जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, अगर वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहती है, अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहती है। ठीक है, आप इस चित्र में देखे हैं, एक गोली है यहाँ से लुढ़क रही है, जैसे नीचे आती है इसका वेग क्या होगा? तेजी से आएगी, यानी वेग क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस चीज को आप जानते हैं। तो गैलीलियो कहता है कि जब दोनों ओर से एक आदर आस एक गोली स्थिर है, गैलीलियो ने तर्क दिया जब गोली को बाईं ओर छोड़ा जाता है तब वह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर आनत तल पर उतनी ऊंची पर जाएगी। यानी मान लीजिए कि दो आनत तल है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। आप यहाँ पर गेंद छोड़ेंगे तो लुढ़कते लुढ़कते जाएगी यहाँ, फिर ऊपर चढ़ जाएगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर इधर जाएगी। ठीक है, यानी जब तक उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या करेगी? गति करती रहेगी। जैसे बाह्य बल लगा दें वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर छोड़ा जाता तो ढाल के नीचे जाएगी और जब दाईं ओर जाएगी तो, यानी जब यहाँ पर छोड़ा जा रहा है दोनों तरफ से, इधर छोड़ते हैं तो इधर से इधर चढ़ जाती है। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट, मान लीजिए ये कोई आनत तल है। क्या है? आनत तल। यहाँ गोली छोड़ते यहाँ चढ़ेगी, यहाँ गोली छोड़ेंगे फिर यहाँ चढ़ेगी। यानी जितनी गति से यहाँ पर जाएगी उतनी ऊपर यहाँ पर चढ़ेगी। यदि दोनों तलों का झुकाव समान हो तो गोली उतनी दूरी चढ़ेगी जितनी दूर तक वह लुढ़की थी। यानी कहने का मतलब है, दोनों तल मान लीजिए, आनत तल दोनों का समान है। मान लीजिए कि दोनों का आनत तल क्या है? समान है। तो गोली जितने दूर से लुढ़की थी उतनी दूर पर दूसरी तरफ चढ़ेगी। अगर मान लीजिए किसी ओर का, आप मान लीजिए यहाँ यहाँ आनत तल ज़्यादा है और यहाँ पर आपने आनत तल कम कर दिया, ठीक है, तो जैसे जैसे आप कम करेंगे वैसे वैसे दूसरी तरफ की दूरी क्या घटेगी? ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? गैलीलियो ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि वस्तुओं पर जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वो गति की अवस्था में रहती है। अगर गति की अवस्था में, तो गति की अवस्था में रहती है, और अगर विराम अवस्था में रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहती। कह रहा है गति को एक रूप बनाए रख किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है।
इस प्रकार व्यवहार में गोला कुछ दूर चलने के बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जब गोला चलेगा तो जब यहाँ पर इस ये तो चल रहा है लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे बल लग रहा है, इससे क्या गोला चलते चलते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इसी गैलीलियो के प्रयोग को आगे न्यूटन ने बताया और इसी को पहला नियम कहते, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या है ध्यान दीजिए, न्यूटन ने कहा कि अगर कोई वस्तु, पहला नियम गति का पहला नियम सुनिए शुरू, पहला नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नियम क्या है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहती है, अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था को बनाए रखती है। अरे कहने जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु गति नहीं करेगी, लेकिन अगर गति कर रही है तो उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक रुकेगी नहीं। यानी कहने मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बाह्य बल ना लगाया जाए तो अगर वो गति कर रही है तो अपनी गति जारी रखती है, अब विरामावस्था में रहती है तो अपने विरामावस्था को वो जारी रखती है। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था का विरोध करती है और किसी वस्तु विरामावस्था में रहने वाले समान वेग, अगर कोई वस्तु जो है गति का विरोध करती है तो गति का विरोध करने की प्रक्रिया को हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जो है क्या करती है कि उसके अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और जब परिवर्तन का विरोध करती है तो इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप रेलगाड़ी में या बस में बैठे होंगे, जब ब्रेक लगता है तो आप क्या होते हैं, आगे पीछे हो जाए, झटका लगता है। क्यों? क्योंकि आप स्थिर हैं लेकिन रेलगाड़ी गति कर रही है, जैसे ब्रेक लगा रही है तो आप गति में आ जाते हैं, रेलगाड़ी रुक जाती है। यदि आप जड़त की अवस्था में थे लेकिन आप परिवर्तन का विरोध कर रहे थे इसलिए आपको झटका महसूस होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आप किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते हैं, ठीक है, आप सीट पर बैठे हैं लेकिन जैसे मोटर गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आप क्या होते हैं, सीट रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर जड़त्व, हमारा शरीर तो स्थिर है लेकिन अचानक रुक जाने से हमारा शरीर गति में आ जाता है और हमें झटका लगता है। ठीक है, अचानक ब्रेक लगने से हमें सीट के आगे लगे पैनल से टकरा के हम घायल भी हो सकते हैं, इसलिए सीट बेल्ट का उपयोग दुर्घटना से बचने के लिए किया जाता है। जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस अचानक गति में आती है और हम उस प्रकार गति में नहीं आ पाते, जड़ों के कारण हम क्या होता है, बस में हमें झटका लगता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीसरे मोड़ पर मुड़ती है, आप देखो जब कभी गाड़ी मुड़ती है तब भी आप क्या होते हैं, इधर उधर होते हैं, झटका लगता है आपको। ठीक है, तभी भी आपको झटका लगता है। क्यों? जड़त्व के नियम का। आप क्या स्थिर है लेकिन गाड़ी गति कर रही है, जैसे ही आप गति गाड़ी मुड़ी तो आपका शरीर उसी अनुरूप मुड़ता है और आपका शरीर भी गति में आ जाता है, इसलिए आपको झटके लगते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्रियाकलाप में। मान लीजिए आप एक कैरम की गोटी को एक के ऊपर एक रख दीजिए, ठीक है, कैरम आप खेलते हैं, एक के ऊपर रख दीजिए और एक अन्य गोटी द्वारा अपनी उंगलियों से उस पर गोटी से क्या कीजिए, स्ट्राइकर से इसको मारिए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराएंगे तो आप देखेंगे केवल नीचे की गोटी शीघ्रता से गिरती है और बाहर आ, नीचे गोटी क्यों बाहर आ रही है, क्योंकि नीचे गोटी बल लग रहा है और ऊपर गोटियों पर बल नहीं लग रहा है, इसलिए वो स्थिर अवस्था में रह के नीचे की तरफ आ जाती है। ऊपर नीचे गोटी क्या होती है, केवल सरकती है, और ऊपर गोटी क्या होती है, बाहर आकर नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गति है वो नीचे की तरफ हो रही, ऊपर क्या है, जड़त कारण स्थिर है, इसलिए उस पर झटका लगता है, इसलिए वो गोटियाँ क्या होती है, बिखर जाती है। आप कांच का एक गिलास लीजिए, एक तख्ती लीजिए, तख्ती के ऊपर सिक्का डालिए, उसको जोर से उंगली से मारिए, आप देखेंगे कि तख्ती दूर चली जाएगी लेकिन सिक्का वहीं गिर जाएगा। क्यों?
क्योंकि सिक्का क्या जड़त्व के नियम कारण अपने स्थान पर बैठा हुआ है, वो अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो कागज उड़ जाएगा और सिक्का क्या हो जाएगा नीचे की तरफ गिर जाएगा। पानी से भरा एक गिलास का ट्रे लीजिए और ट्रे को हाथ में पकड़ के जितनी तेजी से सके घूमिए। आप जितनी तेजी से घूमेंगे आप देखेंगे कि गिलास का लुढ़क जाता है, पानी छलक जाता है। क्यों? क्योंकि पानी क्या था, पहले स्थिर था, लेकिन जब आप घूम रहे हैं तो साथ साथ पानी भी गति में आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है जड़त के ये कारण क्या था, पानी छलकता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम